हेलो गाइज, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल इट्स ऑल अबाउट स्टडी पर। तो आज का हमारा टॉपिक है गाइज, जो खान सर GS रिसर्च सेंटर है बिहार। खान सर को वैसे तो पूरा हिंदुस्तान ही जानता है, GS के सबसे अच्छे अगर कोई टीचर में तो जो मानता हूँ वो खान सर ही है, क्योंकि मैंने तो उनसे GS पढ़कर काफ़ी कुछ सुधार किया है। तो गाइज, इसी उसमें आज हम उनके नोट्स का रिव्यू करेंगे, क्योंकि जब मैंने उनके बैच खरीदे थे तो मैंने भी यूट्यूब पर सर्च किया था कि उनके नोट्स कैसे होते हैं, लैंग्वेज समझ में आएगी या नहीं आएगी। तो मुझे कुछ कोई वीडियो खास मिली नहीं, लेकिन मैंने फिर भी बस वो ले लिया था, बैच ज्वाइन कर लिए थे। और अब जबकि मेरे पास उनके नोट्स हैं, तो मैं चाहता हूँ कि जो और कोई आगे उनके वो लेना चाहता है, बैच लेना चाहता है, तो उसको पहले ही यूट्यूब पर को अच्छी वीडियो मिल जाए कि उनके नोट्स कैसे रहते हैं, उसके बारे में आज हम पूरा रिव्यू करेंगे। तो हम सबसे पहले आज बायोलॉजी के नोट्स के बारे में रिव्यू करेंगे कि खान सर के द्वारा जो पढ़ाई जाती बायोलॉजी, उसके नोट्स कैसे हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर कंटेंट्स में देखते हैं, पूरे 16 चैप्टर है जो हिंदी में सारे एक्सप्लेन किए गए हैं। तो पहला चैप्टर है जैसे कोशिका, सेल, कंकाल तंत्र, पेशीय तंत्र, ऐसे ही सभी के बारे में बताया गया है। तो इसके अंदर देखते हैं, सेल में पढ़ते हैं, देखते हैं कि सेल में क्या दिया गया है, कोशिका चैप्टर में क्या पढ़ाया गया है। देखिए, ये काफ़ी ही आसान भाषा में ये समझाया गया है। अगर किसी बच्चे का साइंस का बैकग्राउंड नहीं है तो वो फिर भी इसे काफ़ी अच्छे से इजीली से समझ सकता है और अपनी बायोलॉजी को मजबूत बना सकता है। लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम आई, एक तो जो भोजपुरी में लिखा है तो कहीं ता का ती लिखा है, ती का ता, कुछ ऐसा प्रॉब्लम आई है। लेकिन वैसे जो उसकी लैंग्वेज है वो काफ़ी अच्छे से आप देख सकते हैं, बिल्कुल आसानी से समझ में आने वाली लैंग्वेज है, बहुत ही अच्छे से, ऐसे लगता ही नहीं कि ये बायोलॉजी है, बहुत अच्छी तरह से सर ने इसमें डिफाइन किया है। लेकिन मुझे तो एक फ़ायदा, और मैंने क्या किया था कि बैच लिया था बायोलॉजी का सर से, और तो फिर उसके नोट्स ये निकलवा कर प्रिंट आउट और फिर इनसे पढ़ा है, तो काफ़ी अच्छे से मेरी बायोलॉजी बहुत अच्छी है, स्ट्रॉन्ग हुई है। इनमें कुछ जैसे डायग्राम के द्वारा बताया गया है सारा पूरा, जितना डायग्राम के जरूरत है वो सभी डायग्राम के मदद से दिखाया गया है, काफ़ी अच्छी भाषा में, मैं कहूँ आसान भाषा में कि हर कोई समझ सके, जिसके जो बैच भी नहीं ले लेकिन फिर भी उसे आसानी से नोट्स को समझ सकता है बिना बैच लिए भी। ये देखिए, जैसे पेशीय तंत्र, मस्कुलिन सिस्टम के बारे में बताया गया है, ये जैसे दांत बनाए गए हैं, इनामेल है, डेंटिन है, ये सभी डायग्राम के द्वारा बताए गए हैं। ये जैसे इसका पाचन तंत्र का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का भी बताया गया है। तो ऐसे ही जहाँ जहाँ डायग्राम की ज़रूरत है वहाँ डायग्राम से, जैसे ये टीथ का जो फार्मूला है 2 1 2 3, तो ये जब भी सारे बहुत काफ़ी अच्छे से बताया गया है, काफ़ी अच्छे इजीली लैंग्वेज में आसानी से समझ आता है। हाँ, कुछ है कहीं कहीं जो ग्रामेटिकल है, वैसे हिंदी व्याकरण को कैसे ले बायोलॉजी में हम इग्नोर ही करेंगे तो कोई वो खास बात नहीं है, अच्छे से इसमें बताया गया है, आराम से सब कुछ समझ में आता है। मुझे जो सबसे ज़्यादा जो जहाँ प्रॉब्लम होती थी, जो रोग है, डिशीज है, तो वो याद नहीं होते थे मुझे, उन पर सबसे अच्छे जो ट्रिक बताई गई है मुझे काफ़ी इजीली अब याद हो गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे प्रोटोजोआ से होने वाले रोग है तो ट्रिक बता रखी है, पे काम सोप, पे से पेचिस, कैसे कालाजार, मै से मलेरिया, सै से सोने की बीमारी, और पैसे पायरिया, काफ़ी अच्छे से देखियो गाइस बताया गया है और इजीली समझ में आता है। जैसे कवक से होने वाली बीमारी है ए दाद खाद, ऐसे ही बैक्टीरिया से और वायरस से होने वाली डिशीज के बारे में ऐसे ही ट्रिक दी गई है, काफ़ी इजीली आप इसे समझ सकते हो। तो ये बात हुई गाइस बोटनी की। तो अब इस बारी है गाइज बोटनी की। ये जूलॉजी के हमने 16 के 16 चैप्टर देख लिए, बोटनी में कुछ ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा बहुत ही बताया गया है, कुछ ज़्यादा नहीं दिया गया है बोटनी में। एक तो ये मेरे पास PDF पुरानी थी, तो कुछ नई PDF जो अपडेटेड है उसमें बहुत अच्छे से दिखाया गया है, लेकिन फिर भी मैं बोटनी के आपको दिखा देता हूँ कैसे नोट्स है खान सर के। काफ़ी ओवरऑल काफ़ी अच्छे नोट्स है गाइज, ईजिली लैंग्वेज समझ में आती है, काफ़ी अच्छे से समझाया गया है। लेकिन जो एक साथ में खान सर का बैच लेता है उसके लिए तो काफ़ी और भी अच्छा है। मैंने जब ये रिकॉर्डेड बैच लिया था केवल 200 रुपये में लिया था, और ये उसमें नोट्स सेक्शन में PDF मिलती है, फिर मैंने उसका प्रिंट आउट निकाल लिया और काफ़ी बार मैं पढ़ चुका हूँ, मेरी बायोलॉजी में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो आप भी गाइज कर सकते हैं,
यहाँ से, लेकिन जब तक बच्चा बैच नहीं लेता तो समस्या वहाँ की पीडीएफ कहाँ से ले, तो क्या पीडीएफ के लिए बैच लेना ही पड़ेगा। अगर आप पीडीएफ केवल पीडीएफ लेना चाहते हैं, बैच नहीं लेना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। मैं जो इसके बायोलॉजी के नोट्स हैं वे अपने टेलीग्राम चैनल पर सभी को प्रोवाइड करा दूँगा। धन्यवाद, थैंक यू।